बहादुर शास्त्री, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके थे। 1920 के दशक में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ज्वाइन किए और उसके बाद आज़ादी मिलने तक इस पार्टी में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। वे साधारण व्यक्ति थे। साधारण कहने का मतलब कि विचार उनका काफ़ी ऊंचा था, लेकिन सादा, या हम लोग कह सकते हैं कि दिखावा में वे विश्वास नहीं करते थे, विचार में विश्वास करते थे। 1.5 साल के थे उसी समय उनके पिता की साया खत्म हो गई और पारिवारिक परिस्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, जो काफ़ी अच्छा से पढ़ाई कर सकें या बाहर जाकर अच्छे विद्यालयों में, अच्छे कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर सकें। उनका पूर्णतः शिक्षा अपने अगल बगल कहा जाए, या हम कह सकते हैं कि उनके जन्म स्थान से बनारस काफ़ी नज़दीक था, इसलिए वहाँ से उनकी शिक्षा पूरी हुई। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और उन्हें मैन ऑफ द पीस भी कहा जाता है, निकनेम, क्योंकि वो शांति के पुजारी थे, शांति ही चाहते थे। लेकिन विडम्बना ऐसी रही कि उनके समय में भारत और पाकिस्तान युद्ध भी चला और उसमें, उस युद्ध में शांति के दूत के रूप में नहीं बल्कि पूरे जोर शोर से भारत और पाकिस्तान के युद्ध का नेतृत्व किया। ताशकंद में युद्ध के बाद तब के सोवियत संघ और आज के उज्बेकिस्तान की राजधानी में समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुई और उसी समझौता में वो गए हुए थे। समझौता के बाद वहीं पर ताशकंद में ही उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे तो दिल के धड़कन रुक जाने की बताया जाता है कि कारण बना उनकी मृत्यु का, लेकिन कई तरह के बातें आती हैं उभर कर, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सचमुच में क्या कारण था। उनके जन्म दिवस पर कोटि सह नमन।